कठिन मेहनत व लगन से हर मंजिल को पाना आसान है, यह कहना है नवापारा की सदर रोड की रहने वाली छात्रा अनुष्ठा सिंह ठाकुर का, जो अटल नगर नया रायपुर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल CBSE की 12वीं की छात्रा हैं, जिन्होंने सोमवार को CBSE द्वारा जारी 12वीं की रिजल्ट में 92.2% अंकों के साथ विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रारंभ से ही पढ़ाई में मेधावी रही अनुष्ठा इंद्राणी ठाकुर व वीरेंद्र सिंह ठाकुर की सपुत्री हैं। इनकी माता नगर में एक निजी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हैं और पिता एक बिजनेसमैन हैं। अनुष्ठा की 10वीं तक की प्रारंभिक पढ़ाई पटेवा स्थित विद्या भारती पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई है। अनुष्ठा विज्ञान संकाय की छात्रा थी। वह बड़ी होकर एक IAS अफसर बनकर देश व समाज की सेवा करना चाहती हैं। अनुष्ठा ने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों व KPS फैमिली को दिया। साथ ही बेसिक ज्ञान के लिए अपनी पूर्व की स्कूल VPS का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। अनुष्का ने बताया कि बोर्ड एग्जाम को लेकर आप कभी भी निराश ना हो, बल्कि पूरे विश्वास के साथ गंभीर होकर अपने शिक्षक के बातों का अनुकरण करें तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुष्ठा के सफलता पर KPS स्कूल के संचालक अभिषेक त्रिपाठी, प्राचार्य अपर्णा त्रिपाठी सहित संस्था के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें बधाई देते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की है। इससे पहले भी अनुष्का सिंह ठाकुर ने CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 91% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान ग्रहण किया था। अनुष्का की सफलता पर विद्या भारती पब्लिक स्कूल के अलेक्जेंडर डायरेक्टर सुब्रत सेन, प्रबंधक अंकित पटवारी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने व उनके मित्रों ने उन्हें बधाई प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ अनुष्का सिंह ठाकुर के पिता अभिनंदन ठाकुर जी यहाँ पर है। जी ठाकुर सर, बताइए आपके बेटिया ने इतनी अच्छी सफलता जीत के, आप उससे क्या कहना चाहिए? काफी कड़ी मेहनत की पढ़ाई के लिए और आगे भी सब अच्छी सफलता होंगी, इस वर्ष पाना है। अभी भारतीय स्कूल का बहुत सपोर्ट इसे रहा है। सर, अनुष्का सिंह ठाकुर की मम्मी इंद्राणी ठाकुर है, जो की एक हिंदी शिक्षिका भी है। जी मैम, बताइए की आपकी बेटिया ने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है संबंध। जी सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार मेरा, और अनुष्का जो है सर, वो अपने स्वयं मेहनत और लगन से रुचि के साथ उसने पढ़ाई किया और वो बहुत ही सेंसियरली लड़की है, और उसने मिनिमम 2-4 घंटे पढ़ाई की दिन में, और वो रात में भी पढ़ाई करती थी, है ना। उसको क्या है, एक एम बना के चली है वो, और उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बचपन से वो मतलब अपने काम के प्रति रुचि दिखाती है और उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। सर, किस रूप में जैसे अनुष्का समाज सेवा करना चाहती है, बड़ी होकर एक IAS अफसर बनकर, आपका पेरेंट्स है क्योंकि आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा उन्हें? हाँ सर, उनकी यही इच्छा है कि मम्मी मैं आगे चलकर IAS अफसर बनना चाहती हूँ, और मैं लोगों को, जो प्रजा है उनको मैं खुश देखना चाहती हूँ, है ना। मैं गहराई तक जाना चाहती हूँ मम्मी की, लोगों का रहन सहन कैसा है, जो पिछड़े जो गरीब एरिया है वहाँ जाकर मैं कुछ करना चाहती हूँ, उनकी जो स्थिति है उसको सुन करके उस समस्याओं का मैं निराकरण करना चाहती हूँ, ये वो एम लेके चली है। जी मैम, बताइए आपकी बेटी जो अनुष्का है आज इतनी अच्छी सफलता लेकर आई है नगर को गौरवान्वित किया, संबंध होता है? अनुष्का को मेरा बहुत आशीर्वाद और प्यार। अनुष्का आज यहाँ पहुंची है, वो अपने मेहनत और लगन और धीरज से वो पहुंची है, वो मेहनत बहुत की है, उसका मेहनत आज सफल हुआ है। आप उन्हें क्या आशीष प्रदान करना चाहते हैं? मेरा तो आशीष हमेशा उसके साथ है जी, और जितना भी आगे जाए बहुत खुश हूँ। हमारे साथ यहाँ पर अनुष्का के बड़े पापा यहाँ पर हैं। जी सर, अनुष्का की सफलता के बारे में कुछ बताइए। अनुष्का जो है वो खूब मेहनत की जी, तो उसका श्रेय पूरा अनुष्का को जाता है जी। लेकिन वो पूरा श्रेय आपको दे रहे हैं कि बड़े पापा का, बड़ी मम्मी का मजा रहा इसमें, उसका बड़प्पन है जिन्होंने CBSE 12वीं बोर्ड में जबरदस्त सफलता अर्जित करते हुए पूरे नगर में गौरवान्वित किया नगर को। तो जी अनुष्का, बताइए किस तरह आपने सफलता हासिल की? जी मैं अनुष्का सिंह ठाकुर, CBSE ने जारी किया रिजल्ट क्लास 12 का मंडे को 13 को, और उसमें मैंने 92.6% गेन किया। एक्सपेक्टेड तो था मुझे कि 90% एंड अबव आएगा, और जब मैं जानी रिजल्ट तो बहुत खुशी हुई इस चीज़ की मुझे, और मैंने पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की थी,
वही लगभग हम मैंने दिन में 3-4 घंटे दिए थे सब्जेक्ट्स को और इस तरह से मैंने सारी चीजें की। आप कौन से विद्यालय से हैं इस बारे में? मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल नया रायपुर से पढ़ी मैंने और मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जी मैं ये सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया और फिर मैं अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए मदद की और मैं अपने टीचर्स को भी मदद करना कहना चाहती हूँ थैंक यू और फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया उनको भी बोलना चाहती हूँ। कहा जाता है कि साइंस बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है तो अभी जो 12वीं की परीक्षा जो स्टूडेंट देंगे आप उन्हें कैसे सक्सेस मंत्र देना चाहते कि वो आपके जैसे अच्छे परसेंट लेकर आए? जी ऐसा मेंटेलिटी होता है लोगों का एक्चुअली कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट हार्ड है तो प्लीज मैं आप सभी जो भी एस्पायरेंट्स हैं अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज ऐसी मेंटेलिटी मत बनाइए कि साइंस डिफिकल्ट होता है ये सब्जेक्ट ईजी होता है या फिर ये सब्जेक्ट हार्ड होता है। आप बस कॉन्फिडेंट रहिए और जिस चीज पे आपकी लगन है आप उस पे ध्यान दीजिए और हो सके तो जो लोग नेगेटिव वाइब्स देते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। जी अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CBSE की तो आप प्लीज दूरी बना के रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ अपकमिंग एस्पायरेंट्स को और कॉन्फिडेंट रहिए और डिटरमाइंड रहिए और सिंसियर रहिए और जो टीचर्स कहते हैं उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ।